लाल मिर्च पाउडर है और थोड़ा सा नमक डाला है, हसबे जायका 1 टीस्पून। अगर और भी नमक इसमें पड़ा तो मैं डालूँगा, अपने हिसाब से नमक और टेस्ट के हिसाब से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चिकन, भुनी हुई चिकन बहुत ही टेस्टी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने और मेहमानों ने ये कहा है कि भुना हुआ चिकन हमें पसंद है तो हमें वो भी खिला दें। बाद में मैं टमाटर डालूंगा, ऐड करूंगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी मेरी कैसी बनी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आमन आमन रमज़ान मुबारक आप सबको एडवांस। तो रमज़ान भी आने वाला है तो इंशाल्लाह नई नई रेसिपी होगी रमज़ान में भी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरी तहे दिल से आप सबको दुआ है। यहाँ पे देखो कुटे हुए ज़ीरा और धनिया और साबित ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर, ये हैं मिक्स मसाला बिरयानी मसाला, और ये हैं चिकन मसाला, और ये हैं ब्लैक पेपर, और ये हैं नमक हसबे जायका 1 टीस्पून, और ये हैं सारे मसाले जो है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून नमक हसबे जायका मैं इसमें डालूँगा चावलों में। अब इसमें मैं डालूंगा हरी मिर्च और टमाटर। जब तक हमारे टमाटर नहीं गलते हैं तो हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे आलू और एक मैंने कच्चा आम लिया था अंबड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्केट में अंबड़ियाँ भी आ गई है, कच्चा आम आ गया है, तो मैं इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगा। क्योंकि जो है ना दो जो चीज़ें होती हैं, दो खाने की चीज़ें होती हैं, चूल्हे पर संभालना थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर लेकिन आसानी भी होती है। एक पक जाती है तो दूसरी को भी हम हल्की आंच पे पकाते हैं, तो दूसरी को जल्दी पका के फिर दूसरी को पकाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी काम होता है, बहुत ही ज़्यादा है। तकरीबन मैंने गोश्त की जो है भुनाई कर ली है, और तकरीबन मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे, फिर इनको डिश आउट करके फिर दिखाएंगे। ये बिल्कुल ही रेडी है, मैंने इनको ऑयल में भूना है, और प्याज और लहसुन अदरक में मैंने भूना है इसको,
जो पुलाव वाली रेसिपी है मैं वो पूरी दे रहा हूँ, और जो इसकी रेसिपी है गोश्त की तो मैंने आधी दी है रेसिपी, क्योंकि मेहमान आ गए थे, हम कुछ और पका रहे थे घर में, तो अचानक मेहमान आ गए तो फिर चेंज हो गया। मेहमानों से पूछा कि आप लोगों क्या खाएंगे, तो उस लोगों ने कहा, मेहमानों ने, तो जो भी घर में है वो पका दे। फिर भाई ने कहा तो नहीं पकाते हैं, मेहमान अपना अपना नसीब लेके आता है, तो ये नसीब की बात होती है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो वॉच पूरी वॉच देखें, प्लीज़ प्लीज़ वॉच करें प्लीज़ दोस्तों। मैं भिंडी पकाने वाला था तो घर में मेहमान आ गए थे, ये देखो भिंडी भी कटी हुई है, तो घर वालों का है कि भिंडी भी पकाओ, मेहमान आ गए थे तो चिकन और आलू पुलाव पका है मैंने, तो थोड़ी सी बस रूटीन शेयर की आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और रमज़ान के रोज़े नसीब करे सबको, तरावियाँ नसीब करे, नमाज नसीब करे, जुमा नसीब करे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरे तहे दिल से दुआ है बहन भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भुना हुआ चिकन था वो बिल्कुल रेडी है पक्के, तो हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए इनको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं, फिर हमने अपने पुलाव की देखभाल करनी है। यहाँ पे मैंने जो है ना मसाला हल्की आंच पे मैंने भुनने के लिए रख दिया है, ये अभी थोड़ा सा भुन रहा है। हम चिकन वाला जो है सालन भुना हुआ चिकन वो भी पकने को है, तो वो पक गया है, अभी फाइनल होने वाला है, तो यहाँ पे मैं पुलाव को देखूँगा फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। चलिए मेरा जो है भुना हुआ चिकन गोश्त चिकन वो पक गया है, तो चलिए इनको चूल्हे से उतार लेते हैं फिर आपको दिखा दें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल पक चुकी है, और जो आलू है वो भी गल चुका है, तो अभी इसमें चावल ऐड करेंगे, इसमें हम पानी डालकर फिर दम पे रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके सारे डालेंगे चावल, फिर इनमें पानी डालकर फिर इनको भूनेंगे। मैंने इसमें चावल डाल दिया है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मेरे जो थे, अब इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 5 गिलास, वो भी एक पाव वाले गिलास। यहाँ पे मेरे चावल है, किलो चावल है, तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगा ताकि ये अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और नमक चेक करिएगा आप लोग भी, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और बहुत ही सिंपली सी चावल है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं, और अभी से इनकी खुशबू आ रही है चावलों की, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बनेगा पुलाव हमारा, आलू पुलाव। ये सादा सा पुलाव है घर के स्टाइल में, ये सिर्फ मैंने घर की रूटीन शेयर की है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेहमान भी वेट कर रहे हैं खाने पीने का, तो मेहमानों को भी सर्व करेंगे, खुद भी खाएंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहन भाइयों के साथ। अल्लाह देखो चावलों का पानी सूख गया है बिल्कुल, अभी दम पे लगाएंगे इनको, फिर आपको डिश आउट करके फिर दिखाएंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल पक के रेडी है, तो चलिए
चैनल को भी शॉर्ट करके आप लोगों को दिखा दें। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी कैसी बनी, और फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ ब्रदर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।